इसलिए मंडे इवनिंग को चीफ एग्जामिनरों के मीटिंग के दौरान सी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके डेट सीट जनवरी एंड तक किसी भी कीमत पर फाइनलाइज होने के बाद पब्लिश हो जाने चाहिए जैसा कि कई हेड एग्जामिनरों ने मंडे इवनिंग को जानकारी दी कि सी ईसीआई के कन्वर्सेशन में है ताकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन डेट को पता चल जाए और उसके हिसाब से सी आई एस सी अपने आईसीएस और आई एस सी क्लास ट्वेल्थ के डेट को फाइनलाइज कर सके इसी के साथ सी बी एस ई से इसकी बातचीत इस मुद्दे पर चल रही है कि सी बी एस ई के क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन जो मे फोरथ से लेकर जून 10 तक चलने हैं उस बीच में किस तरह से आईसीएसई क्लास टेंथ और इससे भी पहले आई क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट को फाइनलाइज किया जाए और इस दौरान अगर आई क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट को पहले रखा जाता है तो सी और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के डेट किस तरह से अरेंज कर दिए जाएंगे थर्ड इंस्टीट्यूशंस एन यानी कि की जेई मेन्स e. और नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली पेरेंट बॉडी है उनके साथ कन्वर्सेशन में है क्योंकि का एग्जामिनेशन मार्च से लेकर अप्रैल एंड तक और नीट का एग्जामिनेशन जून से लेकर जुलाई तक प्रपोज बताए जाते हैं इस दौरान ही CISCE अपनी आई क्लास 12 ट्वेंटी ट्वेंटी और आई क्लास टेंथ ट्वेंटी ट्वेंटी की एग्जामिनेशन डेट को फाइनलाइज करेगी खास करके आई एस सी क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन क्योंकि महाराष्ट्र तमिलनाडु वेस्ट बंगाल पंजाब हरियाणा के साथ साथ गुजरात के बारे में कहा जा रहा है कि इन स्टेट के एग्जामिनेशन भी अप्रैल मई और जून के दौरान ही प्रपोज्ड है तो सी नहीं चाहती है कि इन स्टेट के साथ किसी तरह से आईसी क्लास टेंथ और आई क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट का हो इसलिए भी इन स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उनसे बातचीत कर रही है कि उनके जो डेट फाइनल होंगे और सी सी के डेट होंगे ये काफी कुछ इंटरमीडिएट और एक्सेप्टेबल होने चाहिए बोर्ड के स्टूडेंट के लिए फिफ्थ है कि सी अपने सभी स्टेक होल्डर्स मतलब कि एफिलियेटेड स्कूलों से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि अभी उनके स्टेट में क्या कंडीशन कोविड नाइन्टीन को लेकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम और अन्य सारे कल्चरल एक्टिविटीज के कारण बनने वाले हैं। अप्रैल, मई और जून ये तीन महीने होते हैं जब डिफरेंट नेशनल लेवल के फेस्टिवल भी आयोजित डिफरेंट में किए जाते हैं जैसे पंजाब में बैसाखी हो गया फिर रामनवमी नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है गुड फ्राइडे और गुड संडे का भी त्योहार आ जाता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से होलीडे रहता है महावीर जयंती भी इस तरह के फेस्टिवल है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सी ने स्पष्ट रूप से जो बातें अपने हेड एग्जामिनरों के साथ शेयर किए हैं उनमें कहा जा रहा है कि जनवरी एंड तक ए डेट फाइनलाइज हो जाएंगे और इसके बाद सी अपने स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 खास करके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स अवार्डिंग सिस्टम को इनिशिएट कर देगी इससे पहले जितनी भी बातें कही जा रही है वो केवल मीडिया हाइप और डिफरेंट सोर्स द्वारा तैयार किए गए गॉसिप्स हैं उन पर ध्यान देने की ओर नहीं कहा इस तरह की जानकारी के लिए थम्स अप कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल